अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने द्रास हेलो सेंटर से चाइल्ड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने वीए को दे सकते हैं, और उसके अलावा आप इसके मल्टीपल यूज़र वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे आप लोग, पहले आपने द्रास हेलो सेंटर को ओपन कर लेना है। द्रास हेलो सेंटर को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक टैब आता है अकाउंट एंड सेटिंग का, ठीक है। आपने यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट पे जाना है। यूज़र मैनेजमेंट पे जाने के बाद तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक टेम्परेरी मेल उठाता हूँ, इधर से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग ये देखें, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारा ये वाला अकाउंट चल रहा है ईमेल पे, तो हम क्या करेंगे ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है ईमेल, उसका बताओ जिस बंदे को आप देना चाह रहे हो। यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रैंडमली मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ। तो वो पूछ रहा है आप इसको एक्टिव रखना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ जी एक्टिव रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ना ये रोल पूछना चाह रहा है कि जो आप जिसको एक्सेस देना चाह रहे हैं उसका रोल क्या होगा। तो ये देखिए, सेलर कैटलॉग एक्सेस, सेलर ऑर्डर एक्सेस, वो सिर्फ आपके ऑर्डर का एक्सेस ही करेगा। सेलर एपीआई एक्सेस, वो सिर्फ आपके एपीआई को एक्सेस करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट एक्सेस, ये देखिए, सेलर स्टॉक अपडेट, वो सिर्फ आपके स्टॉक की अपडेट ही मेंटेन कर सकेगा। सेलर ब्रांड यूज़र, वो आपको जो आपका ब्रांड है ना, वो सिर्फ उसको ही उसकी वो एक्सेस मिलेगी और वो किसी डिटेल्स उसके पास के बाद नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ फाइनेंस का देना चाह रहे हैं तो वो भी चला जाएगा। ये देखिए, जूनियर चैट एजेंट, हम अगर उसको सिर्फ कस्टमर सपोर्ट के लिए रखना चाह रहे हैं तो भी हो सकता है। सेलर डेकोरेट शॉप, अगर हम उसको कहते हैं हमारी शॉप को डेकोरेट कर दो तो वो भी हम उसको सिर्फ इसी चीज़ का एक्सेस दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप अपने जो वी है उस किस मकसद के लिए हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से उसको अपने चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेलर फुल एक्सेस करता हूँ, तो इसको सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेल रिसीव हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, ये देखें, ये हमारे पास मेल आ गई है। मैं अब इस पे क्लिक करता हूँ कि मेल मेरे सामने, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास इस तरह की मेल आ जाएगी तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसके ऊपर अपन जाके अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद यहाँ पे सेव जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये चाइल्ड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद तो आपका जो चाइल्ड अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो इसका स्टेटस आ रहा है वो एक्टिव आ रहा है। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं जब डिलीट करना चाहिए। ईमेल रीसेंड वो भी हो सकती है। तो अगर मैं फादर में इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो ये देखिए, ये डिलीट हो गया। इस तरह से आप अपने द्रास अकाउंट का चाइल्ड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।